सर नमस्कार। सर सबसे पहले हम कोरल में इसको डिजाइन को तैयार करते हैं, जो कि इसका एक छोटे छोटे पार्ट को तैयार करने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं हमें। एक बार फाइनल होने के बाद फिर हमें मशीन सेक्शन में भेजते हैं इसको, और मशीन सेक्शन में जो हमारा कंप्यूटर वगैरह है उससे फिर कमांड से हम मशीन में चलाते हैं इसको। तो फिर मशीन कटिंग करती है एक एक छोटा छोटा पार्ट। कटिंग होने के बाद हम उसको अलग अलग रख देते हैं, जैसे टोकरियों में अलग अलग जगह रख देते हैं, ताकि वर्कर को कोई दिक्कत ना हो पेस्टिंग करने में। तो फिर वहाँ से हम बाहर सेक्शन है जो हमारा प्रोडक्शन का है, जहाँ पे हम फिटिंग वगैरह होती है इनकी, तो हम फिर वहाँ पे भेज देते हैं। जो हमने 20 या 25 वर्कर रखे हुए हैं, लेडीज रखी हुई हैं, जेंट्स हैं, और वो फिर एक एक पार्ट को अलग अलग फिट करते हैं इसको। वो जैसे हमारा पहला सेक्शन है वो एक ढांचा बनाते हैं ऊपर का, उसके बाद दूसरा सेक्शन है वो जो गुंबद वगैरह बनाते हैं, उसके बाद तीसरा सेक्शन है जो ऊपर की चोटी वगैरह बनाते हैं। ये फाइनल होने के बाद इसके बाद एक अलग सेक्शन है जो नीचे का बेस बनाते हैं, बेस के अंदर ही बैटरी वगैरह लाइटिंग वगैरह का सब सिस्टम फिट कर देते हैं। जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम एक पे इसका वार्निश वगैरह लगा के इसके शाइनिंग का है सेक्शन, जिसपे हम स्प्रे के साथ इसको शाइनिंग देते हैं हम इसको। और शाइनिंग देने के बाद जब ये सूख जाता है तो हम इसको पैकिंग कर देते हैं। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है। तो प्रदीप जी, किस किस साइज के जो राम मंदिर के स्ट्रक्चर है वो आप बनाते हो? हमारे पास सभी साइज के स्ट्रक्चर है, जैसे 4 इंची में है, 6 इंची में है, 7 में, 8 में, 10 में, 12 में, 24 में और 48 इंची में। प्रदीप जी, जिस तरह से इसकी प्रोडक्शन है, उसको एक मंदिर को, एक स्ट्रक्चर को तैयार होने में कितना समय लगता है? सबसे पहले डिजाइनिंग में हमें 5 से 6 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद डिजाइनिंग के बाद मशीनिंग सेक्शन में जाने के बाद मशीनिंग कटिंग में टाइम लग जाता है, क्योंकि मशीन मेरे पास 5 लेजर मशीनें हैं जो कि छोटे छोटे पार्ट को कटिंग करती है, और उन छोटे छोटे पार्ट को चकने में, उठाने में और लेबर तक ले जाने में वही टाइम लगता है। उसके बाद तो जब लेबर के पास आ जाता है तो वो जोड़ने में टाइम नहीं लगाते। ऐसे ही करके हम एक दिन में 500 से 1000 पीस तैयार, बिल्कुल फाइनल कर देते हैं एक दिन में। तो तैयार होने के बाद मार्केटिंग का काम कैसे है? किस तरह से मार्केट में भेजा जाता है? कहाँ कहाँ इनको भेजा जाता है? जैसे हमने हर एक शहर में अपने डीलर बनाए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हुए हैं, हम सिर्फ उनके पास दे दे आते हैं, तो वो अपने आप ही सप्लाई करते हैं। तो इस वक्त कहाँ से सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि अलग अलग शहरों में हम भेजते हैं, इस वक्त कहाँ ज़्यादा जा रहा है? ज़्यादातर तो डिमांड इनकी अयोध्या से ही आ रही है, और सभी मेरी डीलरों से भी बात हुई थी कि वो भी अयोध्या ही भेज रहे हैं सारा का सारा सामान। तो अब कितनी डिमांड है अगर हम बात करें इस समय? डिमांड तो अभी तो देखो बहुत ही ज़्यादा है, जो हमसे पूरी हो ही नहीं रही है। दिन रात लगे हुए हैं, लेबर भी हैं, दो 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 शिफ्टें शुरू की हुई है, 20 से 25 लेबर लगी हुई है। डिमांड अभी पूरी हो ही नहीं रही है अभी हमसे भी। इतना है, कोशिश कर रहे हैं, हम भी ये चाह रहे हैं कि हर हर घर में राम मंदिर होना चाहिए पूजा के लिए। तो कहाँ से ज़्यादा डिमांड आ रही है? अयोध्या से ही ज़्यादा डिमांड आ रही है अभी तो। कितने पीस वहाँ भेज रहे हो? अभी तो 500 पीस तो डेली जा ही रहे हैं, 500 से हम कोशिश कर रहे हैं, 1000 भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं जितना पॉसिबल हो सकता है हम कर रहे हैं फिर कोशिश अपनी तरफ से। प्रदीप जी, राम मंदिर तो अभी कह सकते हैं पूरी तरह से अभी फिलहाल तैयार भी नहीं हुआ है, तो इसका डिज़ाइन कहाँ से, किस तरह से मन में आया इसके डिज़ाइन की, कैसे डिज़ाइन लिया? सर इसका सबसे पहले कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी बनता है तो उसका पहले 3D मॉडल तैयार होता है, जो श्री राम मंदिर का भी एक 3D मॉडल तैयार हुआ था, और वहीं से हमने इसका डिज़ाइन उठाया, और वहीं से हमने उसको देख देख के ही एक एक पार्ट को तैयार किया। तो जिस तरह से आपके पास 25 से 30 कारीगर काम करते हैं, और जैसे अब समय यानी आपने शिफ्ट भी डबल कर दिया क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो किस तरह से कारीगरों को काम मिलता है, कैसे? प्रदीप जी, और क्या क्या डिज़ाइन आप बनाते हो? और मैं डिजाइन तो अभी हम सभी बना रहे हैं, सभी टेंपल का ही काम कर रहा हूँ मैं, सनातन धर्म के हिसाब से जो हमारे हिंदू धर्म में टेंपल है, जैसे केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ, और अगर कोई अपना स्पेशल टेंपल भी बनवाना चाहता है तो वो भी हम बना के दे देंगे। और जैसे अभी 22 तारीख को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है,
तो उसमें ज़्यादातर ये राम मंदिर पे ही हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ज़्यादातर सभी के घर में राम मंदिर वगैरह पहुँचे। तो कितना किस रेट में दे रहे हो, किस तरह से बहुत ही रिजनेबल रेट में मैं सभी को ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि किसी को ज़्यादा कॉस्टली भी ना लगे। और बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमने ऐसे ही भेंट किया है कि उनके घर में भी राम मंदिर होना चाहिए। तो आपने जिस तरह से गीता जयंती पे भी एक स्टॉल लगाया था, तो कितनी राम मंदिर की जो ये मॉडल है इसकी डिमांड थी? गीता जयंती पे सबसे ज़्यादा देखो राम मंदिर की ही डिमांड रही है, और केदारनाथ की भी थी डिमांड तो, लेकिन राम मंदिर पे ज़्यादा फोकस था सभी लोगों का। प्रदीप जी, इस वक्त राम मंदिर का ही डिजाइन क्यों बना रहे हो सबसे ज्यादा, क्योंकि और भी आपका कारोबार है, सिर्फ राम मंदिर ही क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हर घर घर में राम मंदिर पहुँचे, और मैंने इसका रेट भी बहुत ही रिजनेबल रखा हुआ है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि हर घर के अंदर राम मंदिर होना चाहिए। प्रदीप जी, किस चीज़ से ये तैयार होता है? क्योंकि जैसे कि हमने देखा कई चीज़ें यहाँ पड़ी हुई है, किस तरह से कटिंग होती है इसकी? इसको हम MDF में तैयार करते हैं। एक MDF प्योर पाइन, न्यूजीलैंड की MDF है, इंपोर्टेड लकड़ी है। कई लोग इसको गत्ते में भी कर देते हैं, इंडियन में जो अपना गत्ता मिलता है उससे, लेकिन हम इसको प्योर पाइन में ही तैयार करते हैं जो इंपोर्टेड है, न्यूजीलैंड की है। इसकी शाइनिंग भी अलग है, फिनिशिंग भी अलग है, और बहुत बढ़िया क्वालिटी का ही तैयार होता है इससे। तो जिस तरह लकड़ी की लाइफ है वो बहुत कम होती है, इसकी लाइफ कितनी है? क्योंकि अक्सर आदमी ये समझता है कि जो मैं एंटिक पीस ले रहा हूँ वो लंबे समय तक चले। लाइफ के लिए ही हम इसके ऊपर पॉलिश करते हैं। अगर इसके ऊपर एक बार पॉलिश कर देते हैं तो उसके बाद इसकी लाइफ ये लगाओ कि 10-15 साल तक बढ़ जाती है। 10-15 साल तक कोई कुछ भी नहीं होता, कपड़ा के साथ आराम से साफ हो जाता है बिल्कुल। तो लाइटिंग किस तरह से मैनेज करते हो इसके अंदर, और कौन सी लाइट? लाइटिंग हम 9 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं इसको। हम अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उसको चेंज भी कर देते हैं, तो उसके अंदर ऑप्शन दिया हमने चेंज करने का, रिमूवेबल है ये। रिमूवेबल है। और जो बड़े मंदिर हैं उनका क्या क्या साइज होता है? बड़े मंदिर में जैसे साइज होता है 12 इंची का, वो AC डायरेक्ट AC करंट से चलते हैं, बिजली से चल जाते हैं। और उससे बड़ी है 24 इंची है, 48 इंची है, उनमें भी डायरेक्ट बिजली से चल जाता है वो भी। तो आपने जैसा कि जो राम मंदिर है वो भेंट भी किए हुए हैं, किन किन को आपने राम मंदिर भेंट? हमने श्री माननीय प्रदीप जी, राम मंदिर किन किन को भेंट किया है आपने? हमने कुरुक्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को हमने भेंट किया था, और ज्ञानानंद जी महाराज हैं, गुरु जी हैं, उनको भी हमने भेंट किया था। और उनका गीता ज्ञान संस्थान का मंदिर है और वो भी हमने तैयार कर रखा है, वो भी उनको भेंट किया था। और काफ़ी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती में जो भी गणमान्य व्यक्ति आए उनको सभी को हमने एक एक राम मंदिर वगैरह जो भी और भी मन टेम्पल थे वो भेंट किए हमने। और जैसे मैं बचपन से ही RSS से जुड़ा हुआ हूँ, तो RSS के काफ़ी कार्यकर्ता हैं, उनको भी मैंने भेंट किए हैं। और जैसे अभी कैथल में है, कैथल में भी अभी शुरू कर दिया है मैंने भेंट करना। हाँ जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम दीपक है। और क्या आज यहाँ आए हो, क्या करने, किस तरह से बताएं? एक्चुअली मेरा ना e-commerce मर्चेंट का काम है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। तो राम मंदिर की काफ़ी डिमांड आई हुई थी, आजकल काफ़ी चर्चा में है, तो उसी के लिए डील करने के लिए आया था। पहले भी एक दो बार मैं ऐसे ले चुका हूँ। तो ऑनलाइन या फिर आपके जैसे कि एंटीक पीस की शॉप है, कितने राम मंदिर जो है वो बिक जाते हैं डेली? डेली का एवरेज हमारा खुद का जो एक प्लेटफॉर्म से है, करीब करीब 100-150 ऑर्डर्स आ जाते हैं पर डे के। बाकी लोकल में भी बिकते हैं, B2B कस्टमर्स आते रहते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त डिमांड सबसे ज़्यादा राम मंदिर की है। ऑनलाइन पे अमेजोन पे हमारा सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल चल रहा है काम। तो इनका प्रोडक्ट कैसा? कैसा? हाँ, प्रोडक्ट अच्छा है। मार्केट में जितने मतलब आसपास के जो लोकल कस्टमर्स हैं उनका भी यहीं से मेरे ख्याल से ज़्यादातर रहता है लेने का, और बाकी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं इनके। जैसा कि आम लोकल ये दे नहीं रहे, मोस्टली अयोध्या ही भेज रहे हैं, तो इस पे क्या कहना है? अभी फिलहाल में चर्चा इसी की ज़्यादा चल रही है, काफ़ी डिमांड है इसकी। और बाकी जो आते हैं अपने जो दूसरे टेम्पल्स आते हैं
दूसरे जो प्रोडक्ट आते हैं उनका भी थोड़ा काम, मतलब इसका इतना बूम है इस टाइम पे, इतना ज़्यादा फ्लो है कि उसको अभी ये डाउन कर रहे हैं फिलहाल के लिए। प्रदीप जी ने कहा कि अयोध्या में इनकी ज़्यादा डिमांड है और ये ज़्यादातर, तो आपकी पूर्ति कैसे करते हैं? नहीं, अभी पूर्ति हो नहीं पा रही है एक्चुअली। हम भी है ना, कभी यहाँ से कभी वहाँ से धक्के खा के ये ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है फिलहाल, हम हमारे पास जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं हम उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर राम मंदिर के? हाँ, ज़्यादातर राम मंदिर के। और ये ज़्यादातर स्पिरिचुअल चीज़ों में, जैसे किसी फंक्शन में किसी को गिफ्ट कर दिया, या फिर लगा लो एक दूसर, मतलब कोई पार्टी है, कोई मतलब ये क्या कहते हैं अपना, कुछ मंदिर में कुछ प्रोग्राम है, तो उसमें ज़्यादातर लोग इसको यूज़ में लेते हैं। तो ज़्यादातर राम मंदिर की? हाँ, ज़्यादातर राम मंदिर की फिलहाल।